Hey guys, what's up? And this is PJ back with another one video and welcome back to the Ideal Guy. So guys, Avengers Infinity War में यही question लोगों का दिमाग खराब कर रहा था कि आखिर Bruce Banner Hulk क्यों नहीं बन पा रहा था और Hulk और Bruce Banner के बीच में क्या problem चल रहे हैं। तो इस पर Avengers Infinity War के co-director Joe Russo ने खुलासा किया। लोगों को लगता है कि Thanos से बहुत मार खाने की वजह से Hulk बाहर आने के लिए डर रहा है। बट डायरेक्टर जो रूसो ने कहा कि हल्क उन लोगों में से नहीं जो एक फाइट हारने की वजह से डर जाए, बल्कि उसे तगड़ी बैटल्स पसंद है और उसे पहले भी ऐसी चुनौतियों का सामना किया है। बट ये प्रॉब्लम बैनर और हल्क के बीच की है, जो हम नोटिस कर रहे हैं थॉर रैग्नारोक से, जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से हल्क बार बार बैनर को पीटने से बचा के थक गया है और दोनों की झगड़े की वजह से हल्क बैनर पर नाराज़ हो गया है। यार, हल्क बैनर पर नाराज़ हो गया है, यही रीज़न है कि बैनर हल्क में बदल नहीं पा रहा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ठोको यार, नीचे कमेंट करो, कोई सजेशन देना हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।